पर इन फ्रेंच क्लास आर गोइंग टू टीच अ पोएम फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन पोएम नंबर 7 आपके बुक से पोएम नंबर 7 दैट इज द स्लीपिंग स्पॉट अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ दिस लेसन टाइटल बताता है स्लीपिंग पोर्टर पोर्टर मतलब होता है सुहार कुमार समझते हैं ना मिट्टी का बर्तन मिट्टी का घड़ा बनाते हैं उसको कुमार कहते हैं इंग्लिश में पॉट या फिर कूली कहते हैं क्या कहते हैं कूली जो स्टेशन पर देखे जाते हैं अब उस कूली की उस पॉटर की कहानी इसमें पढ़ा जाएगा एज ए पोएट्री बताया जा रहा है कि ये जो पॉटर है वो स्लीपिंग पॉटर है कैसे वो स्लीपिंग पॉटर हो गया जानना कोई भी पॉटर स्लीपिंग नहीं होता वो स्लीपिंग करता रहेगा तो फिर काम करता है लेकिन यहाँ इस लेसन में राइटर ने उसे उसके लेसन को नाम दे दिया स्लीपिंग पॉटर मतलब ऐसी कुछ घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो पॉटर हमेशा के लिए सो जाता है हमेशा के लिए सो जाना मतलब ये हैज गॉन टू और डेथ जब वो मर जाता है तब उसकी कहानी को स्लीपिंग पॉटर का नाम दे दिया ओके इनको इस लेसन को इंजीबिट किया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज द राइटर ऑफ प्रेजेंट लेसन लेसन में जाने से पहले जरा इनके इंट्रोडक्शन की जान लें जो ऑलरेडी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1919 काठमांडू तो नेपाल में यदि ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब का जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी में काठमांडू में हुआ था जो नेपाल में स्थित He obtained a Bachelor of Art degree from the Patna University in 1929. He was a renowned poet and historian of his time. बताया जाता है कि ये साहब हमारे बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त किसी मतलब बीए की डिग्री उन्होंने हासिल की थी एंड देन आफ्टर बताया जाता है कि वो अपने समय के बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे कवि और शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ करते थे इन 1948 ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद बताया जा रहा है कि 1949 में नेपाल के द्वारा नेपाली साहित्य परिषद का एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन में ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब एक अध्यक्ष के रूप में उस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की थी बस हो गए एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी अब बताया जा रहा है कि जैसे ही वो साहित्य अकादमी वाला जो नेपाली संगठन ने किया था वो जैसे ही ओवर हो गया ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब अपने आप को नेपाल से निकाल लिए यहाँ बताया जा रहा है यहाँ आप देख पाते हैं वो फेस्टिवल जैसे ही एंड हुआ पोएट्री फेस्टिवल वैसे ही बताया जा रहा है ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी उन्होंने अपने आप को नेपाल से निकाल कर वाराणसी में सेटल कर लिया वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध शहर वहाँ पे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया टू यूनिट युग वाणी वॉइस ऑफ एज विच वॉज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नेपाल कांग्रेस इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेलकम कॉन्फिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल अब बताया जा रहा है कि जब वो वाराणसी आकर सेटल्ड हो गए तब उन्होंने युग वाणी नामक प्रोग्राम को एडिट किया युग वाणी प्रोग्राम की बात करें तो आजकल शायद आता है कि नहीं कंफर्म नहीं बता सकता लेकिन युग वाणी नाम का एक प्रोग्राम रेडियो पर आया करता था पहले रेडियो के चैनल पर युग वाणी नाम का एक प्रोग्राम आया करता था उसी प्रोग्राम में ये साहब काम करते थे जिसको इंग्लिश में कहा गया द वॉइस ऑफ द एज युग वाणी को इंग्लिश में कहते हैं द वॉइस ऑफ एज मतलब युगों की वाणी युगों की आवाज इस प्रोग्राम को ये साहब होस्ट करते थे रेडियो चैनल अब बताया जा रहा है इस बार अमाउंट ऑफ नेपाल का
खाली कांग्रेस जो पार्टी है उस पार्टी के माउथ पीस मतलब बोले हुए शब्दों को इस युग पानी में ये साहब दोहराया करते थे, लोगों को सुनाया करते थे थ्रू रेडियो। लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद कह सकते हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद नेपाल की सरकार ने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब का जो प्रॉपर्टी और घर नेपाल में था उसको कन्फिस्केट कर दिया गया, मतलब अधिकृत कर लिया गया। नेपाल सरकार ने उनकी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। अब चलते हैं लेसन में, लाइन बाय लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है भाई, तो सुनने की जरूरत, बहुत मजा आएगा इस लेसन में। स्लीपिंग क्वार्टर बहुत इमोशनल पोएम है जो आपको इमोशन से भर देगा। इमोशन से भर देगा मतलब समझ रहे ना, बहुत इमोशनल पोएम। एक गरीब आदमी कैसे अपने फैमिली को रन करता है और कैसे अपने फैमिली को रनिंग करते करते वो कभी कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली का कंडीशन कभी नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक कूली है, इसमें से एक रिपोर्टर है जो अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है, इतनी गरीबी हालत में होता है कि उसके बॉडी पर ना कपड़े होते हैं, ठंड भरी रात होती है लेकिन बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं, फिर भी वो फैमिली वालों के लिए लगातार काम करता है, लगातार काम करता है। असल चलते हैं यहाँ देख पाएंगे 25 किलो लोड ऑन हिज बैक स्पाइन डबल वेन और 6 माइल क्लाइम अप इन द स्नो फॉर विंटर नेक बोन स्केलेटन ब्लैक ट्रेन ब्रेन ट्रेन एट बेसिक एंड अपनी आस पास इन चैलेंजिंग द माउंटेन। इस पैराग्राफ में राइटर उसकी वेदना को, पोर्टर के वेदना को, पोर्टर के दुख को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक पोर्टर है जो उसके पीठ पर 25 केजी का वजन लगा हुआ है, जबकि मैं और अपनी भाषा में बात करें तो 25 केजी का वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत आसान होता है, हम आप आसानी से ढो सकते हैं। लेकिन जब पोर्टर उसको अपने कंधे पर ढोता है तो वो बहुत दुबला पतला होता है, इसलिए वो अपने कंधे पर नहीं रखकर अपने पीठ पर रख के यूं चलता है, ऐसे इंसान होता है वो ऐसे करके चलता है, झुक के चलता है। और इसी झुकने के कारण राइटर बताते हैं जो उसके स्पाइन होते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो दो बार मुड़ता है ऑन द वेट ऑफ ओनली 25। बस 25 किलो का वजन पीठ पर उठाने में उसके जो रीढ़ की हड्डी है वो दो बार मुड़ जाती है, मतलब वो ऐसे झुकता है और फिर ऐसे झुकता है। आपने बोले किसी बड़े बुजुर्ग को देखा होगा जिन जो कि उनकी स्पाइन की हड्डी कमजोर होगी वो झुक के चलते हैं, और ये स्लीपिंग क्वार्टर 25 किलो का वजन लेकर झुक के चलता है, और इसी को राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं कि इस 25 किलो का वजन उसके पीठ पर लेकर उसको कितना दूरी तय करना है, 6 माइल दूरी तय करना है, और वो भी कब, जब विंटर की स्नोई रात है, विंटर की रात है, दिसंबर जनवरी के महीने हैं और उस रात में बर्फ की बारिश हो रही है, उस करकराते कपकपाते ठंड के इस गरीब इंसान को जो एक पोर्टर है 25 किलो का वजन अपने पीठ पर लाकर उसे 6 माइल्स चढ़ाई करना है, 6 माइल्स चढ़ाई करना है, रास्ता नहीं चलना है, 6 माइल्स चढ़ाई करना है, मतलब पहाड़ों के ऊपर वो चढ़ेगा वो 25 किलो का वजन लेकर। आगे बताते हैं राइटर कि उसकी जो बॉडी है वो नेक्ड बोन है, स्केलेटन है बट नथिंग, मतलब वो इतना दुबला पतला है कि उसकी बॉडी में मांस नहीं दिखता, बस केवल हड्डी का फ्रेम दिखता है। क्या दिखता है? हड्डी का फ्रेम दिखता है जो हमारे स्किन से, हमारे चमड़े से, उसके चमड़े से उसका बॉडी ढका हुआ है, लेकिन उसके बॉडी में मांस का जरा सा अंश नहीं है, इसीलिए उसके हड्डी उसके स्किन से बाहर झांकता है, उसके पूरे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम दिखता है। स्केलेटन सिस्टम आपने बायो में पढ़ा होगा, ह्यूमन का पूरा हड्डी का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर उसके फ्रेम को पूरा का पूरा फ्रेम दिखता है। फिर भी वो इतना वीक है, इतना कमजोर है, द
तब भी वो अपनी कमजोरी को ध्यान न देकर अपने मंजिल की ओर देखता है, और जब अपनी मंजिल की ओर देखता है उसे 6 माइल माउंटेन चढ़ने हैं और पिनियन तक जाना है, ये उसका काम है, ये उसका टास्क है। और इसलिए राइटर कहते हैं वो लीडिंग होता उस माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, उस माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, जबकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि 25 किलो का वजन अपने पीठ पर लादकर वो 6 माइल पहाड़ी पर चढ़ रहा है, लेकिन फिर वो चढ़ रहा है, इसका उसे कोई दुख नहीं है, वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, ऐसा राइटर कहते हैं। Body is an abode of freeze and lies. His mind very little. इस fourth of line में poet describe कर रहे हैं उस sleeping potter को कि उसके body में कुछ नहीं है कपड़ा के नाम पर, वो नंगा बदन है, लेकिन उसके सिर पर एक काले रंग की टोपी पहन रखी है। उस sleeping potter ने एक काले रंग की टोपी पहन रखी है, वो टोपी से भी डर्टी सा स्वेट सा स्मेल आता है, डर्टी सा पता है ना, पसीना से आदमी जब लथपथ हो जाता है तो वो पसीना स्मेल करने लगता है, और यही बात राइटर कहते हैं उसके ब्लैक कैप डर्टी है और उसके पसीने जो छूट रहे हैं उस पसीने के छूटने से उसका बॉडी स्मेल करता है। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा देर पहले आपने बताया कि वहाँ पे विंटर का महीना था, बर्फ की बारिश हो रही थी, तो फिर उसको पसीना कैसे आ रहा था? माय डियर, ठंड के मौसम में हम आप ऑब्जर्व किए होंगे कि ठंड के मौसम में भी अगर कोई मेहनती काम करते हैं, कोई मेहनत वाला काम करते हैं, वजनी काम करते हैं या दौड़ लगाते हैं, तो ठंड के मौसम में भी पसीना आ जाता है। यही राइटर अपने बॉडी में उसका जान नहीं है, बॉडी में उसका वजन नहीं है, लेकिन वो 25 किलो का वजन अपने पीठ पर लाद कर माउंटेन की चढ़ाई कर रहा है, वैसे ही उसे पसीना आएगा, आएगा कि नहीं? एकदम आएगा। अब राइटर बताते हैं कि उसका जो बॉडी है वो एक टापू है, एक टापू है किसका? फ्लीज का और लाइस का, मतलब उसके बॉडी में उसके सिर में जुए हैं, जुए समझते ना, जिसको हिंदी में ढील बोलते हैं, ढील जो लड़कियों में ज़्यादा होता है, सभी बात मिलेगा, सब लोगों में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में होता है, तो उसके बाल में जो सी जू है और इवन ऐसे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो हमें दिखता नहीं है, हमारे बॉडी में चलते रहता है, हमें दिखता नहीं है, वैसे कीड़े मकोड़े उसके बॉडी पे रनिंग कर रहे हैं इन हिज माइंड। और बताते हैं कि उसका जो माइंड है वो बहुत डल है, डल मतलब वीक है, धीरे धीरे सोचता है, तो स्लीपिंग पॉटर का माइंड बहुत धीरे धीरे सोचता है, और तो इमिट्स अ सल्फर लाइक सोर स्मेल बट व्हाट अ स्टार्ट ह्यूमन फिगर। राइटर कहते हैं कि ये सारा कुछ होने के बाद भी उसका बॉडी सल्फर के जैसे स्मेल करता है, सल्फर समझते हैं ना, केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, सल्फर गंधक उसको कहते हैं हिंदी में, गंधक जैसा खट्टा स्मेल करता है उसका बॉडी, कैसे? पसीना से, सल्फर जैसा खट्टा बॉडी उसका स्मेल करता है, लेकिन फिर भी राइटर कहते हैं व्हाट अ स्टार्ट ह्यूमन फिगर, फिर भी उसकी फिगर को, स्लीपिंग पॉटर की फिगर को देखकर राइटर सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी ठंड में उसके बॉडी में कोई कपड़ा नहीं, उसके बॉडी में कोई जान नहीं, फिर भी वो एक चैलेंज कर रहा है, वो किसको? लगातार वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बस समझ में आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइन ऑफ वर्ड छूट गया लगता है, लाइन ऑफ वर्ड आ गया, नहीं लाइन नहीं छूटी है, ह्यूमन फिगर वेरी गुड। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज स्वेटिंग पैंटिंग ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। राइटर उस स्लीपिंग पॉटर की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि एक पक्षी के समान
एक पक्षी के जैसा उसका जो हृदय है वो ट्विटरिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है जैसे हमारा हृदय। हम क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं लगातार, चार पल्ले या पांच पल्ले पे जब हम लगातार चढ़ाई करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज से धड़कने लगता है। और यही राइटर कहते हैं कि जब फिलिपिन पॉटर उस माउंटेन की चढ़ाई कर रहा था तो उसका हार्ट एक पक्षी के समान आवाज कर रहा था, जैसे पक्षी जो करती है ना उस तरह से इस पॉटर का हार्ट बीट कर रहा था और धक धक कर रहा था, जो उसे पेंटिंग कर रहा था। लेकिन फिर भी राइटर कहते हैं कि स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, उसके बॉडी से पसीना ही पसीना निकल रहा है, इवन ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांसें फूल रही है। सांसें फूल ना समझते हैं ना, नहीं समझते हैं तो सुबह सुबह उठे और 2 किलोमीटर लगातार दौड़े और दौड़ने के बाद रुक जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा सांस फूलना किसको कहते हैं, समझ गए। अब आ गया है कुछ क्वेश्चन आंसर, आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, सॉरी कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये उसको भी क्लियर करके चले। यहाँ देख रहे हैं वी वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, कितना का लोड उसके ऊपर, 25 केजी ओनली। सेकंड नंबर, व्हाट डिस्टेंस डज ही डज द पोर्टर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर, कितना, 6 माइल, याद है ना और लाइन इसका 6 माइल। थ्री नंबर, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, द स्लीपिंग पॉटर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। एंड द फोर्थ वन, व्हाट टाइप ऑफ कैप ही इज वेयरिंग, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप, व्हाट टाइप ऑफ कैप, ब्लैक कैप। फिफ्थ नंबर, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पॉटर इमिट, पॉटर किस तरह के स्मेल को इमिट कर रहा था, तो सल्फर लाइट, याद है ना सल्फर लाइट स्मेल दे रहा था। अब यहाँ देखिए इसके आगे पढ़ेंगे तब क्या पढ़ते हैं हम, जब देखते हैं यहाँ आप देख पाएंगे, ए हैट अ हॉट ऑन द क्लिफ, ए हॉट ऑन द क्लिफ ही सन सीवरिंग विथ कोल्ड, वूज ऑफ हंगर द मदर सर्चिंग फॉर नेटल एम्पायर्स। इस पैराग्राफ में बहुत इमोशन देने वाले राइटर, बहुत भावुक बनाएंगे, कहते हैं कि क्लिफ के ऊपर एक हट है, एक झोपड़ी है, क्लिफ समझते हैं पहाड़ी होता है, पहाड़ी है ना, और पहाड़ी में कुछ इस तरह से पहाड़ी होते हैं और ये नुकीला नहीं होकर मान लिया ये चौड़ा टाइप का पहाड़ी है और इसके ऊपर एक झोपड़ी बनी है, ये झोपड़ी मान लिया है ना, और ये क्लिफ हो गया, समझ लीजिए यहाँ एक झोपड़ी है, यहाँ झोपड़ी है और ये जो पार्ट है, ये बड़ा पार्ट डायरेक्ट नीचे कूदने का, डायरेक्ट नीचे जंप लगाने का, उसको क्लिफ कह सकते हैं। अगर आप कभी गंगा किनारे गए होंगे तो गंगा नदी के ऊपर जो मिट्टी होती है, जो जमीन होती है, जमीन के ऊपर से जब गंगा नदी को देखते हैं, गहरा देखते हैं और जिस जमीन पर आप खड़े होते हैं उसी को क्लिफ कहते हैं। अब ये राइटर बताते हैं कि उस चोटी के, उस माउंटेन के क्लिफ के ऊपर एक हॉट बना हुआ है, एक झोपड़ी बना हुआ है और उस झोपड़ी में पोर्टर का एक बेटा है जो ठंड के मारे कांप रहा है, ठंड के मारे क्या कर रहा है, कांप रहा है, इवन ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री, वो भूख से भी तड़प रहा है, वो भूख से भी तड़प रहा है और उसकी भूख को देखकर उसकी माँ से रहा नहीं जाता है, उसकी माँ से सहा नहीं जाता है। तब उसकी माँ क्या करती है, उस झोपड़ी से निकल कर नेटल्स और वाइन का सर्च करती है, मतलब जंगली लताओं, पेड़ पौधों का, लता समझते हैं ना, जंगली पेड़ पौधे या लताओं को खोजती है और उसी को शायद खोज कर या बीन कर लाएगी तो वो मदर अपने बच्चे को वही खाने को दे। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कंपायर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पिक्स ए वॉक। अब बताते हैं ये कि माउंटेन के नीचे एक्चुअली ये माउंटेन है और ये पोर्टर लगातार चढ़ा जा रहा है, अभी उसकी दूरी तय नहीं हुई है, अभी तक वो माउंटेन के नीचे में ही है, नीच में ही है और इसीलिए राइटर कहते हैं कि वो जो स्लीपिंग पोर्टर है एक्चुअली में उस माउंटेन का हीरो है, माउंटेन का वो हीरो है, ही
द प्राउड एम्प्लॉयर ऑफ नेचर, नेचर को, प्राकृतिक को उसके उसके मनोबल पर, उसके डिटर्मिनेशन पर प्राउड करना चाहिए। इवन आर द स्नो क्लैड पिक्स, इवन जो उस पिक्स पे, उस माउंटेन के पिक्स पे, ये जिसको बोलते हैं सबसे ऊपरी सीमा को पीक बोलते हैं, माउंटेन के सबसे ऊपरी नीचे जो सीमा होता है उसको पीक बोलते हैं। और राइटर कहते हैं कि उस माउंटेन के पीक को भी और इवन वहाँ जमे हुए बर्फ को भी इस हीरो पर प्राउड करना चाहिए। ओके, हियर ओनली द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट, ओनली द स्टार्स स्टडेड लीड ऑफ नाइट, बताते हैं राइटर साहब केवल आकाश में टिमटिमाते तारे, केवल आकाश में टिमटिमाते तारे क्या करते हैं, लीड द नाइट। जब वहाँ उस पहाड़ी पर अंधेरा भी छाया हुआ है और रोशनी का एकमात्र साधन है आकाश में टिमटिमाता हुआ ये तारा, लीड मतलब लाइट, समझ रहे, तारे जो आकाश में टिमटिमा रहे हैं उसी की रोशनी उस माउंटेन पर आ रही है और उस छोटी सी धीमी सी रोशनी में ये बेचारा अपने लक्ष्य की ओर जा रहा, मतलब उस चोटी पर, माउंटेन की चोटी पर उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं और उसी को कुछ भोजन देने के लिए शायद कुछ लिविंग वाटर अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। यहाँ बताया जा रहा है द वॉटर इज इन डीप स्लंबर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, लेकिन अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वो स्लीपिंग वाटर जो अपने बच्चों की, अपनी बीवी की भूख मिटाने के लिए 25 किलो का वजन अपने पीठ पर लेकर माउंटेन को चैलेंज कर रहा था, लेकिन वो माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाया, उसकी बुरी दशा हो गई और वो शायद रास्ते में ही अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, रास्ते में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए राइटर कहते हैं कि ये जो स्लीपिंग वाटर है वो वाज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रिच किंगडम ऑफ स्लीप मतलब सोने की, सोने की जो किंगडम है उस किंगडम पर स्लीपिंग वाटर का शासन चल रहा है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, हमेशा के लिए सो चुका है, इसीलिए इस लेसन का नाम राइटर ने रखा स्लीपिंग वाटर। आपने इस लेसन में सुना कि एक इंसान जो इतने कमजोर है, फिजिकल रूप से इतना कमजोर है, इतना वीक है, फिर भी अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली को रन करने के लिए, अपनी फैमिली को देखभाल करने के लिए वो उस माउंटेन को भी नापने चल पड़ा था, लेकिन माउंटेन को तो नहीं नाप सका, लेकिन उसकी हिम्मत, उस पॉटर की हिम्मत ने माउंटेन को हरा दिया, उसकी हिम्मत ने माउंटेन को हरा दिया, ऐसा राइटर का फीलिंग आता है। ओके, लेसन फिनिश हो गया है, आपको लेसन समझ में भी आया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, और उसके बाद इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर फिर से आ गया है, अभी पॉइंट टू में वो आपको क्लियर करते चलूँ। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, क्लिफ के ऊपर क्या था, एक हट था, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मदर सर्चिंग, मदर क्या सोच रही थी, नेटल एंड वाइन, नेटल एंड वाइन। थ्री नंबर हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, द स्लीपिंग वाटर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, यू कैन राइट। फोर्थ नंबर व्हाट इज मीन्ड बाय द लीड ऑफ नाइट, लीड ऑफ नाइट का क्या मतलब है, द लाइट ऑफ नाइट, तारों से स्टार्स से निकलने वाली वो लाइट। हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, कौन, तो लिखेंगे द स्लीपिंग वाटर, स्लीपिंग वाटर इज रेनिंग ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। शॉर्ट टाइम आंसर फिनिश हो गया, अब आप लॉन्ग टाइम में चलिए, लॉन्ग टाइम यहाँ आए, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर वो द पोएट हैज स्पोकन ऑन ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ द वाटर, इलस्ट्रेटेड कह रहे हैं कि राइटर ने, पोएट ने उस स्लीपिंग वाटर के ट्रायल्स या कंट्रीब्यूशन पर फोकस किया, उस फोकस को आपको वर्णित करना है। पहले पैराग्राफ में जो राइटर ने
क्वार्टर के बारे में बताया उसी को आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर टू, अ मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड फाइंड्स टू इट सी। सी इज द सर्चिंग सच थिंग्स। व्हाई इज कह रहे हैं कि उसकी माँ थी, जो माँ नेटल और वाइन ढूंढ रही थी वो कौन थी, तो क्वार्टर की पत्नी थी, क्वार्टर की पत्नी थी। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सी सर्चिंग फॉर, वो जो ढूंढ रही थी मेटर और वायरस वो क्यों ढूंढ रही थी, अपने बच्चों की भूख मिटाने की। ठीक है, डिटरमिनेशन हाफ ऑफ एंड कंटिन्यूटी विंस द रेस, डू यू एग्री। राइट आवर ओपिनियन विद रेफरेंस ऑफ पोएम द स्लीपिंग वाटर। अब बताया जा रहा है कि निश्चय, निश्चय किसी काम को करने की दृढ़ निश्चय बना लेना और हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी ये किसी रेस को जीतने का मूल मंत्र है, मतलब की ऑफ सक्सेस कहते हैं। की ऑफ सक्सेस क्या है? डिटरमिनेशन हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी। इस सेंटेंस से आप अग्री हैं कि किसी भी फील्ड में जीतने के लिए डिटरमिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए और कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर आप अग्री हैं इस बात से तो बताना पड़ेगा क्यों अग्री है। आपको आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्स ऑफ द पोएम। पोएम के पढ़कर आपके अंदर जो फीलिंग्स आई है उस फीलिंग्स के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। ओके, बात समझ गए? चलिए अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। कब मिलेंगे? आपके अगले क्लास में। तब तक गुड बाय, सी यू वेरी सून। Goodbye.